स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको जैकबोर्ड का असली सच बताने वाला हूं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज जो है सामाजिक विज्ञान का पेपर था क्लास टेंथ का जो विद्यार्थी है, ठीक है, उनका आज 12 फरवरी को सामाजिक विज्ञान का पेपर था। और ऑब्जेक्टिव में ऐसा प्रश्न पूछा है ना घुमा के, ऐसा कि विद्यार्थी इतना कन्फ्यूज हर एक का कमेंट आ रहा है कि सर कैसा प्रश्न पूछा है जैकबोर्ड। जैकबोर्ड के बारे में दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगे और आपको बताएंगे कि मैथ में कैसा सवाल आने वाला है, ठीक है। और साथ में यह भी दिखाएंगे कि कितना विद्यार्थी का क्या क्या नंबर आया, कुछ कमेंट को हम लिए हैं, ठीक है, जो कि आपके सामने पेश करने वाले हैं, क्या कुछ विद्यार्थी कर रहे हैं, ठीक है, और कितना स्कोर कर रहे हैं। और दोस्तों देखिए एक चीज और बात, मैंने सब्जेक्टिव का प्रश्न देखा, सब्जेक्टिव तो दोस्तों इतना आसान प्रश्न पूछा है कि इतना आसान कि हम कहें आपको, ठीक है। सब्जेक्टिव का जो सीरीज लाए थे दोस्तों उसमें से जो भी देखा है वो तो दोस्तों 95 के इधर नहीं लाया, ठीक है। लोकतंत्र के बारे में समझाइवे किए हैं, ठीक है, बहुदेशीय नदी, सत्ता की साझेदारी है, क्या नहीं आपको समझाए, क्या नहीं, एक एक प्रश्न को आपके दिमाग में ठोके थे। और सारा सब्जेक्टिव दोस्तों आपको मेल खाया है, ठीक है, सारा का सारा, ठीक है। जो दोस्तों वीडियो को नहीं देखा है वही बोलता है कि सर आपका पढ़ाया हुआ एक भी प्रश्न नहीं आया, एक भी क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। तो कहां से आएगा आपको प्रश्न बताइए। तो आप देखेंगे एक दो वीडियो से क्या होगा, आप साल भर पढ़ रहे हैं, 10 का बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, कोई हलवा बात थोड़ी है, मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 दे रहे हैं, ठीक है, मैट्रिक बोर्ड परीक्षा जिसका रिजल्ट हर चीज में मायने रखता है, और बोलेंगे कि सर हम 1 से 2 दिन पढ़ के अच्छा नंबर ला सकते हैं, तो 1 से 2 दिन कभी नहीं आपको अच्छा नंबर देगा, कभी नहीं। इसलिए मैं आपको हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि जो वीडियो अपलोड किया उसको एक बार देख के जाइए, कम से कम वीडियो को देखिएगा तो कम से कम जो सब्जेक्टिव प्रश्न बताया उसको तो कम से कम समझ सकते हैं। और जो हम प्रश्न बताते हैं उसको हम समझा के बताते हैं, ठीक है, सब्जेक्टिव खुल के एकदम समझा के बताते हैं ताकि हर एक प्रश्न आपके दिमाग में जाए। तो चलिए दोस्तों आज मैं कुछ नया आपको बताता हूँ जैकबोर्ड के बारे में, ठीक है, और मैथ का कैसा प्रश्न पत्र आपको मिलेगा सारा जानकारी दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जैकबोर्ड ऐसा क्यों किया, तो ये दोस्तों जैकबोर्ड का ये लक्षण है, ठीक है। कल मैं दोस्तों आपको वीडियो बना करके अवगत किया था, वो अभी दिखाऊंगा कौन सा वीडियो, ठीक है, इतना हार्ड प्रश्न क्यों दिया, जैकबोर्ड का असली सच क्या मैथ में भी ऐसा रहेगा। यहां देखिए कल एक वीडियो बनाए थे, ठीक है, जिसमें लिखे थे मैट्रिक बोर्ड वायरल प्रश्न पत्र 2024, और ये आपका वीडियो था ना जो कि यहाँ पर देख लीजिए कल अपलोड किए थे, ठीक है, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कल अपलोड किए थे, इतना हार्ड प्रश्न पत्र को लेकर, ठीक है। और ये जो वीडियो था ना, इस वीडियो में आपको क्या बताए थे पता है, इस वीडियो में आपको बताए थे 2022 और 2023 का प्रश्न पत्र, ठीक है। क्यों बताए थे, क्योंकि इसलिए हम आपको अवगत करा रहे थे, क्योंकि जैकबोर्ड हमेशा सोशल साइंस में SST में कभी भी जो आसान से नहीं बैठता, ठीक है, एकदम इतना हार्ड प्रश्न देगा, इतना इधर उधर से चित्रा के देता है कि आपको समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है, कहां कहां से प्रश्न को उठा देता है, ठीक है। इसलिए मैं ये कल वीडियो बनाकर अवगत कराया, और इस वीडियो में साफ से खुल कर आपको कहा कि जैकबोर्ड आपको एग्जाम ले रहा है 2024, SST में थोड़ा सा संभल के रहिएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव तो आपका हार्ड रहेगा, लेकिन सब्जेक्टिव में दावा किए थे 50 में 50 लाने का, और उसी प्रकार का दावा रहा है 50 में 50 लाने का, ठीक है। और कल जो वीडियो बनाए थे दोस्तों उसमें बताए थे कि जो इनमें से सभी वाला जो प्रश्न होता है, ठीक है, जो नहीं देखा था वीडियो, अगर झूठ बोल रहे थे जाके इस वीडियो को देख लीजिएगा, अभी भी यूट्यूब पे पड़ा हुआ, ठीक है, बोले थे इनमें से जो सभी रहेगा, जो ऑप्शन इनमें से सभी, उसको 100% टिक करके आना, कुछ कॉमन बात को छोड़कर, ठीक है। और वैसा ही बात हुआ, 10 प्रश्न लगभग 9-10 प्रश्न दोस्तों लगभग आपका जो है इनमें से सभी वाला था। और ये ट्रिक मैं कभी कल ही आपको बताया था, क्योंकि ये जैकबोर्ड काम देख चुके हैं, 3-4 साल से देख रहे हैं कि इनमें से सभी जो प्रश्न पूछता उसका आंसर वही होता है इनमें से सभी। तो 10 प्रश्न आया तो 10 नंबर आपको तो ऐसे ही ले लिया, ठीक है, ट्रिक के माध्यम से। तो जो बताते हैं उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है, इधर उधर के चक्कर में मत रहिए, मैट्रिक बोर्ड परीक्षा कोई हलवा परीक्षा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो विद्यार्थी क्या क्या कमेंट किए हैं, देखिए कि SST बहुत सही था सर, ठीक है, आगे सबका कमेंट देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कमेंट में कि सर आप जो बताए थे वही आया था, लेकिन हमारा नहीं भर पाया सर, हम जो थैंक यू सर, मतलब कि हम बताएं वो तो आईबे क्या सब्जेक्टिव, ठीक है, सब्जेक्टिव का हम दावा लिए थे 250 में 50 का, वैसा ही वो ऑब्जेक्टिव भी बताए थे, और ऑल ऑफ दिस वाला को बोले ऑल ऑफ दिस को टिक ही करके आइएगा, ठीक है। ये बच्चा जो कह रहा है कि हम जो क्वेश्चन तो आया लेकिन हम भर नहीं पाए, टाइम नहीं था इसके पास, ये सोचिए,
इसलिए बोलते हैं कि जो वीडियो डाल रहे हो उसको देखा कि जब मैथ का वीडियो अभी सुधर जाइए, ठीक है। यहाँ पर देखिए 12 का विद्यार्थी कमेंट किया कि सर मेरा 25 में 25 आ गया, आई एम हैप्पी। 12 का 2 को वीडियो डाले थे, एकदम इतना हल्का प्रश्न दिया था, इतना हल्का कि सारा प्रश्न मैच कर गया, ठीक है। आगे दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट बोलता है कि मेरा 30 में से 25 गो आया, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है, नेक्स्ट हम लोग देखें, नेक्स्ट बोलता है 30 में से 25 को यहाँ पर सही हुआ, ठीक है। आगे दोस्तों यहाँ पर एक नेम आपका है बादल कुमार मातो का, ठीक है, कि थैंक्स यू सर, आज SST का मस्त गया, थैंक्स यू, इतना जितना बोलू कम। काहे बोल रहा, क्योंकि ये जो विद्यार्थी है एक दिन नहीं पढ़ा इस चैनल से, लगभग दोस्तों हम SST का वीडियो 10 से 12 दिन तक अपलोड किए लगातार आपके लिए रात रात भर मेहनत करके, ठीक है। और जो वीडियो को देखा तो उसको लाइव करेगा, जो एक वीडियो देख के जाएगा बोलेगा सर ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो कहाँ से होगा। एक चीज में खोवा खोजेंगे खोवा नहीं मिलेगा। देख लीजिए वो विद्यार्थी आता पिंटू के नाम से, 30 में से 30 ठीक करके आया, ठोक करके आया, कैसे आया इसको बताएं, समझा बुझा आया। नेक्स्ट है एक लड़की कमेंट की है, ठीक है, मतलब कि कोई भी है, मतलब लड़की हो चाहे लड़का हो, ठीक है, कहते हैं कि टिक यू सर, ठीक है, यानी कि थैंक यू सर, आपका कोटि कोटि नमन, आप भगवान के रूप में है। का ऐसे कमेंट कर रहा है, क्योंकि पढ़ रहे हैं आज से नहीं 10 दिन से लगभग पढ़ रहे हैं, तो आएगा दोस्तों जब पढ़ेंगे तभी आपको आएगा। सर आपने जो बताया ऑब्जेक्टिव एकदम सेम आया था, लेकिन उसमें से 3 सही है, 3 वो सही किया है, बताइए उसमें से जो हम बताए थे सेम आया लेकिन 3 वो सही किया फिर भी गलत करके आया। इसलिए बोलते हैं प्रश्नों को एकदम शांति मन से पानी उन्हें पी करके बैठ के एकदम देखिए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैथ का वीडियो जो अपलोड हो रहा है ना, मैथ में हम दावा रखे हैं कि 90 से लेकर 295% कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि मैथ में दोस्तों मेरा तो खुद में खुद 100 आया है, तो मैथ में इतना हम आपको इतना अच्छा क्वेश्चन बता देंगे कि सेम आ जाएगा। प्रीवियस अगर आप 2023 का रिजल्ट देखिएगा, ठीक है, यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियो पर अपलोड है, तो मैथ में जितना भी है विद्यार्थी सबका मैथ में ज्यादा नंबर आया है। काहे मैथ में जो क्वेश्चन बताएं सेम हो बहु वही आया एग्जाम में। तो आज सबका वीडियो अपलोड हो चुका है, ठीक है, 12 फरवरी से 16 फरवरी तक चलेगा। मैथ में डर के मत रहिए, SST में यही हाल होता, मैथ में नहीं होगा। वीडियो जो अपलोड करेंगे उसको देख के चलिए, 90+ कोई नहीं छीन सकता है। आज की इस वीडियो को यही रखते हैं दोस्तों, हो सकता है तो वीडियो को शेयर जरूर से जरूर करें और अवगत रहें जिक बोर्ड से, जो हम बताते हैं उस पर ध्यान दीजिए, इधर उधर के बात में मत रहिए। कुछ विद्यार्थी जो है गलत कमेंट करते हैं तो उनको करने दीजिए, ठीक है, उनका घाटा मेरा घाटा नहीं है।